दोस्तों मैं विकास कोहली आज YouTube पे लेके आया हूँ ओलंपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो। दोस्तों इस बार लेके आया हूँ इंडिया के पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों ने जो दमदार प्रदर्शन किया उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि सारी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग और जो भी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हर एक के रिगार्डिंग आपको वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के एनालिसिस पर। आज मैं ओलंपिक की वीडियो की लेके आया हूँ। टोक्यो पैरालंपिक्स शुरू हुआ था और इस बार इंडिया ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। इस बार इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं और पिछले सालों के जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं मैक्सिमम मेडल सारे ओलंपिक्स के मेडल मिलाकर देखा जाए 12 मेडल जीते थे। उसमें से 4 गोल्ड मेडल थे, 4 सिल्वर मेडल थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे और इस बार सारे मेडल्स को मिला के इंडिया ने जीते हैं 19 मेडल। जी हाँ, बहुत बड़े गर्व की बात है कि इंडिया ने इतने ज्यादा मेडल जीते हैं और एक ही ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में जिसे बोलते हैं, उसमें पूरा डबल कर दिया मेडल की टैली। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया इंडिया खिलाड़ियों ने। तो सबसे जो 5 गोल्ड लिए हैं, 5 गोल्ड लिए हैं इस बार, 8 सिल्वर लिए हैं और बाकी ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं उन्होंने प्रदर्शन इस बार इंडिया ने। और साथ में जो प्लेसेस हैं वो भी बहुत खतरनाक रही हैं। 6 बंदे जो 6 खिलाड़ी हैं इंडिया टीम के पैरा ओलंपिक्स में वो 4th प्लेस पर आए हैं, मार्जिन से वो भी रह गए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में। और जो 3 खिलाड़ी हैं वो 5वें स्थान पर आए हैं। तो ये बताता है कि इस बार इंडिया ने काफी दमदार प्रदर्शन बताया। नहीं तो इंडिया के मेडल 20 हो सकते थे, बट जेवलियन थ्रो के खिलाड़ी को उनको बाहर कर दिया गया। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता भी था बट उन्हें बाद में टीम वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बट मुझे ये समझ ही नहीं आया कि पैरालंपिक्स ने पहले क्यों नहीं जांच किया जब वो फाइनल में प्रवेश कर गए। उसके बाद उन्होंने डिस्कशन किया कि नहीं, ये खिलाड़ी फिट नहीं बैठता है। तो ये बहुत गलत हुआ। नहीं तो इंडिया के विनोद कुमार 41 साल के, उन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया बट बाद में पैरालंपिक्स की फेडरेशन ने उन्हें कहा कि ये इसमें कंपटीशन में फिट नहीं बैठते हैं। वैसे बहुत गलत हुआ क्योंकि जो भी होना चाहिए वो पहले होना चाहिए। और बढ़ते हैं दोस्तों, पहला मेडल कैसे आया? पहला मेडल आया बबीना पटेल टेनिस में मेडल लिया था, जिसे बोल सकते हैं टेबल टेनिस था। इस बार टेनिस नहीं था, टेबल टेनिस में पहला मेडल लिया था। फाइनल तक गए थे, फाइनल में वो हार गई थी, प्रदर्शन अच्छा किया था, सिल्वर मेडल आया था पहला मेडल। उसके बाद जो हमारा पहला गोल्ड आया वो आया अवनी लखेरा शूटिंग में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने एक और मेडल जीता है और पहली वो महिला बनी थी जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। और जो पहला गोल्ड है वो आया था हमारा 30 अगस्त को एक और गोल्ड मेडल आ गया था और वो मेडल जीता था सुमित अंटिल ने। वो भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन अच्छा किया और जेवलिन थ्रो में मेडल जीत के बताया। तीसरा जो गोल्ड मेडल है वो आया था हमारा मनीष नरवाल का। मनीष नरवाल बढ़िया प्लेयर है, अच्छा उन्हें कंपटीशन बताया। इस बार शूटिंग में फिर से दूसरा मेडल मिला। जो पहला शूटिंग में था वो 10 मीटर की शूटिंग में मिला था वुमेन्स की, इस बार जो मिला था वो 50 मीटर शूटिंग में मिला था। जो 50 मीटर शूटिंग मिला था इसी शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल अवनी लखेरा ने जीता था। और जो चौथा गोल्ड मेडल आया वो भी बढ़िया मेडल आया, वो आया हमारे बैडमिंटन में जो नंबर 1 खिलाड़ी है वो इंडिया के ही थे, प्रमोद भगत। उन्होंने मेडल जीता, बढ़िया प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने कोई मैच नहीं आया, पहले अपने साथी खिलाड़ी को भी हराया था क्योंकि एक और प्लेयर उनके साथ थे इंडिया के, उनको भी हराया था। और फाइनल में जाके नंबर 1 जो भी बाकी चल रहे थे नंबर 1 को छोड़ के, क्योंकि नंबर 1 को खुद है, बढ़िया प्लेयर है प्रमोद भगत। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन भी अभी जीती, 4 बार वो वर्ल्ड चैंपियन आ चुके हैं, नंबर 1 प्लेयर है, अब ओलंपिक्स का मेडल भी हासिल कर लिया है। और जो हमें लास्ट गोल्ड मेडल आया वो हमारा लास्ट दिन मेडल आया, वो लिए कृष्णा नगर ने। जो कृष्णा नगर है उनको लोग चिढ़ाते थे कि ये वो ड्वार्फ हैं वो हैं, बट उन्होंने ये सारी मुसीबतों को पार किया और पैरालंपिक्स में ये गोल्ड मेडल जीता, देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो इंडिया ने इस बार इतिहास रच दिया है दोस्तों। और ये मानने को लग रहा है कि पेरिस 2024 में इंडिया ज़्यादा मेडल ला सकते हैं, 30 के मेडल ऊपर जा सकते हैं। और इंडिया की रैंकिंग भी देखा जाए 25 रैंकिंग है, तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग यही है। चाइना तो सबसे हर बार नंबर 1 ही रहते, तो उनका बताने की जरूरत ही नहीं है कि चाइना ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। उन्होंने जो नॉर्मल था ओलंपिक्स उसमें बढ़िया प्रदर्शन किया था, इसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। इस बार जो हमारे फ्लैट बेयर थे वो थे टेकचंद, पहले तो फ्लैट बेयर थे मलेपन थे बट क्वारंटाइन के चक्कर में तो टेकचंद हुए। जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा को फ्लैट बेयर का
मौका दिया गया। तो दोस्तों काफी अच्छा लगा, बहुत बार प्राउड फील हुआ हम जब जब गोल्ड जीते रहे, जब जब कोई भी मेडल जीते रहे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पेरिस 2024 में ओलंपिक्स में हमें कम से कम 50 तक मेडल मिल जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ढेर सारा प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।